Hi guys, welcome back to 91 Wheels. This is the all new Audi Q7. कुछ दिनों में इसका लॉन्च होएगा इन द इंडियन मार्केट एंड वी आर ड्राइविंग द कार फॉर द इंटायर डे. काफ़ी सवाल है मेरे पास एंड आई एम श्योर इवन यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द Q7. द ओरिजिनल Q7 आई थिंक वॉज द एपिटोम ऑफ लग्जरी ऑन फोर बिग व्हील्स विद सेवन सीट्स. इट वॉज अ बिग सक्सेस बट ओवर द टाइम राइवल्स ने आपको ऑप्शंस दी फ्रॉम वॉल्वो टू मर्सिडीज टू BMW टू रेंज रोवर एंड सो ऑन. However, 2022 की जो शुरुआत है वो ऑडी करेगी विद दिस वन. 19th को शाम को हमारा रिव्यू जाएगा, तब तक एम्बार्गो है. सो 19 तारीख से पहले वी कांट टेल यू माय ओपिनियन या माय रिव्यू ऑन द Q7, बट डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल्ड वॉक अराउंड दूंगा इस गाड़ी का. क्या है इंजन ऑप्शंस, इंटीरियर्स कैसे हैं, बाहर से कैसी दिखती है, मैं कैमरे पे दिखाऊंगा. मेरा ओपिनियन नहीं आएगा, मेरा रिव्यू नहीं आएगा, बट यू विल डेफिनेटली बी सीइंग अ लॉट ऑफ Q7 इन दिस वीडियो राइट नाउ. फॉर स्टार्टर्स, ऑडी करेंटली Q7 को इस कलर के अंदर शायद प्रमोट करेगी, तभी एक शेड ऑफ ब्लू के अंदर हमें मीडिया व्हीकल मिली है. MH नंबर इसलिए है बिकॉज ऑडी हेडक्वार्टर्स इज इन महाराष्ट्र. वी ऑफ कोर्स आर इन दिल्ली राइट नाउ. आज बहुत ही ठंड है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट मॉर्निंग्स ऑफ 2022. एक्सटीरियर्स के अंदर एज आई टोल्ड यू आई कॉन्ट टेल यू माई ओपिनियन, बट आई वॉन्ट टू शो यू अ फ्यू एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो मैट्रिक्स LED लाइट्स हैं, दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक. अगर आप इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ऐसा स्वीपिंग इफेक्ट आता है. इंडिकेटर्स ऑफ होंगे तो चलती गाड़ी में DRLs विल कम ऑन. दी सेम इंडिकेटर्स ऑन दी आउटसाइड मिरर्स एंड इवन एट द बैक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एक बात ज़रूर है, जो लास्ट Q7 की जो सेल थी इंडिया में वो थी व्हेन द BS6 इमिशन नॉर्म्स किट इन टू प्लेस. तो अगर वो वाली मॉडल से कंपेयर करता हूँ, द डिज़ाइन हैज़ नॉट चेंज्ड अ लॉट. इतना रेडिकल डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम द बम्पर चेंज और द लाइट्स पीछे आगे. सो इंटीरियर्स के अंदर बहुत बदलाव है जो आपको दिखाने वाला हूँ, बट एज ऑफ नाउ अगर कंपेयर करता हूँ विद द लास्ट Q7 जो सेल पे थी, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, बट हैं एट द सेम टाइम. सो डू दीज चेंजेस मेक द Q7 लुक एनी बेटर, एनी बोल्डर, एनी मस्कुलर? आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. बट फॉर नाउ ये बाहर से डिज़ाइन है. आई शो यू द टायर साइज एज वेल. द मीडिया कार इस पे ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं एंड साइज वाइज दिस इज 255 mm वाइड और 19-inch अलॉय व्हील्स. 19-inch के व्हील्स ऑफकोर्स काफ़ी टॉल होते हैं फॉर एन SUV, बट क्या इससे आपकी राइड पुअर होती है? इज़ द राइट क्वालिटी सफरिंग बिकॉज ऑफ व्हील्स? ये मैं आपको जवाब दूंगा इन द डिटेल्ड वीडियो जो 19th की शाम को जाएगा. नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइज यू नो वॉट टू डू, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना एंड द बेल आइकन एज वेल. सो जो वीडियो इसका लाइव जाएगा उसके अंदर मैं ये भी कवर करूंगा कि परफॉर्मेंस ऑफकोर्स कैसी है, बट एट द सेम टाइम डायनामिकली एंड सस्पेंशन वाइज 19-inch के व्हील्स ने कुछ उसको हैम्पर करा नहीं करा. बात करूँ इंजन्स को लेके तो इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा. द अर्लियर Q7 वॉज नोन फॉर द डीजल पावर, बट अब गोइंग फॉरवर्ड BS6 के अंदर आपको ऑडी की तरफ से सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेंगे. 3000cc का V6 इंजन है एंड इट बेल्ट्स आउट 340 bhp ऑफ पावर अलॉन्ग विद अ हेल्दी डोज ऑफ टॉर्क. 500 Nm का टॉर्क है. 4x4 ऑडी की लैंग्वेज में इट्स कॉल्ड क्वात्रो एंड 4x4 इसके अंदर रहेगा स्टैंडर्ड. बट प्राइजिंग अभी आउट नहीं है. इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, पंच वगैरह, वो मैं डिस्कस करूंगा इन द रिव्यू. बट फॉर नाउ आई कैन ओनली गिव यू अ वॉक अराउंड ऑफ द Q7. अब मैं काम करता हूँ, आई विल क्विकली शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द इंटीरियर्स, फिर मैं अंदर बैठूंगा एंड जूलियन विल टेक द फोन. सो आई वॉन्ट टू शो यू द स्पेस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. इंटीरियर ऑप्शंस आई थिंक आप कलर कॉम्बिनेशंस को चूज़ कर पाएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है. लॉन्च के टाइम पे वी विल बी टोल्ड कि इफ़ यू एज अ कस्टमर कैन चूज द इंटीरियर कलर ऑप्शंस और नॉट, बट दिस इज हाउ द फ्रंट इंटीरियर्स लुक लाइक. अगेन एज कम्पेयर टू द नॉन BS6 मॉडल, इंटीरियर्स में बहुत बदलाव है. एक्सटीरियर्स इतना चेंज नहीं हुए हैं, बट इंटीरियर्स के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर बहुत चेंज करा गया. मैं काम करता हूँ, आई क्रॉम कम फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. राइट देन, सो इंटीरियर्स में अगर माई काइंड ऑफ पर्सन इज सिटिंग, आई स्टैंड 6 feet टॉल, दिस इज हाउ द इंटीरियर्स लुक लाइक. अगेन स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से या सीट कम्फर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या हाउ दिस फील्स फ्रॉम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, मैं बात करूंगा ऑन द वीडियो दैट विल कम ऑन द 19 शाम को.
फिलहाल आई कांट, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि पहले जो स्क्रीन्स थे फॉर एग्जांपल वो चेंज हो चुके हैं. दी अर्लियर मॉडल यू यूज्ड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ पॉप आउट डिस्प्ले, वो चेंज हो गया है. यहाँ पे दो स्क्रीन आपको मिलते हैं. तीसरा आता है कॉकपिट, जो कहते हैं वर्चुअल कॉकपिट, वो इस तरह आता है. स्टार्ट द कार एंड इफ जूलियन कैन कम अ बिट क्लोज, या जूलियन काम करते हैं आप पीछे आ जाओ, आई विल शो द डिस्प्ले फ्रॉम द रियर पॉइंट ऑफ व्यू. सो ट्विन स्क्रीन्स है जो कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे एक ऊपर स्क्रीन है, एक यहाँ पे नीचे स्क्रीन है. बोथ में आपको टच डी में मिलता है. दिस इज मोर अबाउट दी रेडियो या नेविगेशन या जो गाड़ी के जो फीचर्स होते हैं. दिस इज मोर अबाउट द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम. तो एक दो एंड तीसरा आता है गाड़ी का जो वर्चुअल कॉकपिट है, विच ऑडी इज नोन फॉर. इसके अंदर आपको फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, कितनी गाड़ी चल चुकी है, एक्सेट्रा आपको यहाँ पे दिखता है. ऑटोमेटिक ही है ऑफकोर्स, नो मैनुअल ट्रांसमिशन. ऑटोमेटिक का गेलेवर यहाँ पे है. आई कैन टेल यू मोर, इतना भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बट यू कैन हैव अ लुक एट हाउ दी होल फेसा लुक्स लाइक लेफ्ट टू राइट. इसमें आपको सॉर्ट ऑफ अ ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल आपको एयरवेंट्स मिलते हैं, 1, 2, 3 and 4. ऑफकोर्स एक पैनोरामिक सनरूफ भी है ऊपर, विच ओपन्स ऑल द वे बैक. सो ये थे इस गाड़ी के इंटीरियर्स. मैं काम करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट करूँगा फॉर माई ड्राइविंग पोस्चर, और इसको एडजस्ट करने के बाद मैं रियर सीट पर जाऊँगा, सेकेंड रो में जाऊँगा, टू शो यू कि अगर आप सामने एक लंबा ड्राइवर बैठा है तो फीचर स्पेस कैसी है. सो चलते हैं ऑन द सेकेंड रो. सो दिस इज द सेकेंड रो विद द फ्रंट सीट, जो मेरे हाइट के लिए करी है मैंने पोजिशन. 6 feet tall, वेल बिल्ट, एंड दिस इज द काइंड ऑफ स्पेस इट हैज टू ऑफर. अच्छी है बुरी है, अगेन आई कांट टेल यू राइट नाउ. व्हाट आई कैन शो यू इज दैट जो सेकेंड रो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आगे, ये है पीछे, एंड आई कैन इवन रिक्लाइन इट, यस लाइक दिस. सो मल्टीपल कॉम्बिनेशन जरूर है. पीछे भी आपको एक टच स्क्रीन मिलता है फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम. जूलियन इफ यू कैन कम स्लाइटली अंदर, दिस इज द होल डिस्प्ले फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल एट द बैक. ट्रांसमिशन टेलर जरूर थोड़ा ऊंचा है, ये इफेक्ट करेगा वेल अगेन ऑन द 19, बट फॉर नाउ दिस इज हाउ द स्पेस लुक्स लाइक ऑन द इनसाइड ऑफ द Q7 फ्रॉम द हेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लेग रूम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. बूट एंड थर्ड रो वो पीछे है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड आई मीट यू राइट एट द बैक. So this is the boot of the Q7. फिलहाल इसमें हमारा सामान है, कैमरास है, ट्राइपॉड वगैरह है. थर्ड रो जरूर है, सो थर्ड रो अगर आप खोलेंगे तो इट विल बिकम अ 7-seater, बट फॉर नाउ दिस इज हाउ द स्पेस ऑफ द Q7 लुक्स लाइक. और बहुत कुछ है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज गाड़ी हम सुबह से चला रहे हैं एंड देर इज सो मच टू टॉक अबाउट द Q7 विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू फ्रॉम अ ड्राइवर्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ओरिजिनल Q7 थी जो उसने धमाल मचाया था, द काइंड ऑफ सक्सेस द ओरिजिनल Q7 प्लेड इन द इंडियन मार्केट, कैन दिस वन रेप्लिकेट दैट? वेल वेट फॉर अ फ्यू डेज एंड यू विल हैव माई आंसर अराउंड दिस बिग क्वेश्चन.